नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं बीसी सखी के बारे में एक अपडेट लेके आया हूं। दोस्तों अभी हाल ही में बैंकिंग का स्टूडेंट सखी का एप्लीकेशन अपडेट हुआ है और ज़्यादातर भाई बहनों के पास एक सवाल का जवाब जानने को लेके एक अपडेट आ रहा है। यानी अगर आप बीसी सखी हैं, आपने बीसी सखी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है, तो आपको एक सवाल का जवाब देने के लिए बार बार पॉपअप आपके बीसी सखी एप्लीकेशन पर आ रहा होगा। अगर आपने अपने एप्लीकेशन को अभी तक अपडेट नहीं किया है, तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप अपने बीसी सखी एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए। अपडेट करने के बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे, सबसे पहला पॉपअप यही क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि आपके SHG स्वयं सहायता समूह में आपको बीसी सपोर्ट फंड यानी 75,000 रुपये का ऋण भुगतान कर दिया गया है। इसका जवाब आपको हाँ या ना में देना है। तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा, हम इस जवाब को वीडियो के अंत तक देखते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और भी मैं एक सीक्रेट चीज़ आपको वीडियो के अंत में बताने वाला हूं। अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको यकीनन फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बीसी सखी का एप्लीकेशन अपडेट हुआ, तो उस एप्लीकेशन में अपडेट होने पर एक पॉपअप आ रहा है, वहाँ पर 75,000 रुपये के ऋण भुगतान को लेकर सवाल पूछा गया है, तो उसका जवाब आपको क्या देना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 75,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए गए हैं, उसमें से 50,000 रुपये का आप अपने ऑफिस के सेटअप के लिए उपकरण खरीद सकते हैं, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, माइक्रो ATM मशीन और भी स्टेशनरी के आइटम्स। और उसमें से 25,000 रुपये आप सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर रखेंगे, उसको आप नहीं निकाल सकते। आप अपने स्वयं सहायता समूह के अकाउंट में 25,000 रुपये एज OD ओवरड्राफ्ट के तौर पर रखेंगे। दोस्तों मेरे कई सारे भाई बहन ओवरड्राफ्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उम्मीद करूँगा आप लोग और भी क्वेश्चन डालिए। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, और ये वीडियो मैं यकीन मानिए आप लोग कल या परसों में ओवरड्राफ्ट को लेके वीडियो आ जाऊंगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 75,000 रुपये आपके आए हैं कि नहीं आए हैं, इसको आपको हाँ ना में जवाब क्या देना है। तो दोस्तों इसको आपको जवाब ईमानदारी पूर्वक देना है। ये मत सोचिए कि आपके पैसे आए हैं और आप ना कर देंगे तो आपको 75,000 रुपये और मिल जाएंगे। दोस्तों सरकार आपकी नीयत का इन्हीं सब सवालों से आपको आकलन करती है। जो भी आपके सुपरवाइज़र होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को देखकर आपका आकलन करते हैं, क्योंकि दोस्तों आप एक नौकरी पर हैं जो एक जिम्मेदारी वाली नौकरी है, जो बैंकिंग ढांचागत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए दिया गया है। अगर आप वहाँ पे फाइनेंस में गड़बड़ी करेंगे तो ये आपको आपके कैरियर पर भी इफ़ेक्ट डालेगा। यानी आप सरकार द्वारा जारी की गई किसी भी योजना के लाभ नहीं ले पाएंगे अगर आप ईमानदारी पूर्वक इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। उसमें से दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपको 75,000 रुपये मिले हैं, इस 75,000 रुपये को लौटाने ही होंगे, क्योंकि सरकार का क्वेश्चन साफ है कि 75,000 रुपये का ऋण भुगतान कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया है। दोस्तों ये अलग बात है, 75,000 रुपये पर आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको 75,000 रुपये किस्त वाइज आप वापस करेंगे सरकार को। जब आपका बीसी सखी का काम तेजी से चल चुका होगा, तब सरकार एक शासनादेश के माध्यम से आपसे पूछेगी, आपसे सर्वे कराएगी कि आप लोग पैसे कब से देना चाहते हैं। उसी तरीके से आप लोग अपना चॉइस रख सकते हैं। बाकी 75,000 रुपये आपको लौटाने होंगे, लेकिन सरकार आपको बाद में बताएगी, पहले आप अपना ऑफिस सेटअप और काम को चालू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करूँगा दोस्तों आप लोग को इस वीडियो में जो भी मैं जानकारी साझा करना चाह रहा था वो जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपके 75,000 रुपये आए हैं तो हाँ कहिए, अगर नहीं आए हैं तो नहीं कहिए। अगर नहीं आए, नहीं करने के बाद ही सरकार उस पर एक्शन लेगी कंसर्न अधिकारी से या संबंधित अधिकारी से, और आपका 75,000 रुपये जल्दी से जल्दी डिसबर्स हो जाएगा आपके स्वयं सहायता समूह के अकाउंट में। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि जब भी आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं इस तरीके की वीडियो जरूर बनाऊं। और एक और निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक देख लें। दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।